उसमें आज हम देखने वाले कि ऑटो मोड जो होता है वो काफी फ्रेंडली मोड होता है। तो हाय गाइज, आज हम लेके आपके लिए नया वीडियो। काफी दिन बाद मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाइए। तो चलिए गाइज, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा वीडियो का, आज हम देखें कि जो DSLR जो कैमरेज होते हैं, जो कैनन को हो चाहे निकॉन का हो या सोनी का हो, उसमें आज हम देखने वाले कि ऑटो मोड जो होता है वो काफ़ी फ्रेंडली मोड होता है। आप फ्रेंडली मोड में, फ्रेंडली मोड ये वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसको आपको कोई भी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अगर ऑटो मोड पर आप रख कर कोई भी फोटोग्राफी आप करते हो या वीडियोग्राफी करते हो तो ऑटोमेटिकली ये अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से ये अपने आप को सेट कर लेता है। तो इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ लेंस को सिर्फ आपको आगे पीछे थोड़ा जो एंगल आपको सेट करना होता है, बाकी ये ऑटोमेटिकली सब कर लेता है। तो उसी के बारे में आज हम वीडियो बनाने वाले गाइस। तो मैंने आउटडोर में कुछ शूट किया आपको दिखाने के लिए, आउटडोर फोटो किए, फ़ोटोज़ मैंने शूट किए ऑटो मोड में, तो वो हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली हम मोटे मोटे तौर पर इसको समझ लेते हैं कि ऑटो मोड बेसिकली इसमें दिया क्यों होता है, क्योंकि आप काफ़ी टाइम आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आप कुछ किसी रश में फ़ोटो शूट कर रहे हैं तो वहाँ पे आप पर्टिकुलर जो आपका सब्जेक्ट होता है उसको आप फोकस करने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैनुअल मोड में अगर आप शूट कर रहे हो तो उसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है आपको, तो वो मैनुअल मोड में आप ऑटो मोड अगर आपका रहेगा, आपको अगर सराउंडिंग पूरा शूट करना है तो आप ऑटो मोड में रख के उसको काफ़ी अच्छे से इसका रिज़ल्ट निकाल सकते हो, चाहे फ़ोटो हो चाहे वीडियो हो। काफ़ी हेल्पफुल मोड होता है ये ऑटो मोड, इसको कोई भी इजीली एक्सेस कर सकता है। इसको कोई एक्स्ट्रा ऐसा कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए सिर्फ आपको कैमरा पकड़ना आना चाहिए ठीक से, तो ये आम आदमी भी इसको आराम से चला सकता है। मैनुअल मोड में थोड़ा आपको सीखने की ज़रूरत होती है, लेकिन ऑटो मोड में खास इतनी सीखने की ज़रूरत नहीं होती, तो उसी के बारे में आज वीडियो देखेंगे। तो चलिए गाइस, मैंने आउटडोर में कुछ फ़ोटो शूट किए, चलिए गाइस बाहर चलते हैं। तो हाय गाइस, हम बाहर आ चुके हैं। तो आप देखें कि मैं कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, कैनन 200D Mark II DSLR कैमरा है ये। इसमें आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन में आपको दिख रहा है ये ऑटोमेटिक मोड होता है। इसी से हम हमारी जो फोटोज़ वीडियो जो भी आपको क्लिक करनी हो उससे कर सकते हैं। अब ये देखिए, आप यहाँ पे आपको सेटिंग में कंटिन्यूस मोड है, फिर फ्लैश मोड है, फिर टाइमर आप सेट कर सकते हैं। तो हम ड्राइव मोड में जो सिंगल मोड होता है उसमें हम वीडियो शूट करने वाले फ़ोटो शूट करेंगे। तो चलिए गाइस फोटो शूट करते हैं। हम ऑटो मोड में इसको सेट कर लेते हैं, यहाँ से इसको स्क्रॉल करके अच्छे से, तो ग्रीन पे मैंने सेट कर दिया। तो चलिए अभी एक फ़ोटो निकालते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बाहर ये अच्छी जो सीनरी है, ग्रीनरी है, जो मैं लीव्स का फूलों का फ़ोटो निकालने वाला हूँ। तो अभी हम फोटो क्लिक करते हैं। मैं इसमें लेंस यूज़ कर रहा हूँ, 55-50mm की लेंस है, जो बड़ी लेंस है इसके साथ आई है, जो कैनन 20D Mark II के साथ। आप देख सकते हैं इसमें जूम इन किया है मैंने इसको, तो ये फोटो क्लिक किया मैंने। अभी हम नेक्स्ट शॉट लेते हैं। यहाँ पे अभी कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, आप देख सकते हैं आगे वो सामने फुटबॉल खेल रहे, तो उसका हम अभी यहाँ से फ़ोटो क्लिक करने वाले हैं। और मैंने ऑटो मोड में रखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं फ़ोटो कितनी अच्छी आई है ऑटो मोड में, ऑटोमेटिक उसने फोकस पकड़ लिया है। तो अभी नेक्स्ट हम शूट कर रहे हैं ये जो रोड के ऊपर जो स्टॉपर्स होते हैं, ये इसका हम शूट लिया है, मैंने एक फ़ोटो लिया है, ये काफ़ी मुझे अच्छी इंटरेस्टिंग लगे थोड़े, तो मैंने इसका ही फ़ोटो क्लिक कर लिया है। काफ़ी अच्छा हेल्पफुल होता है ये मोड। अभी नेक्स्ट हम ये जो आप नीचे पेड़ देख सकते हैं जो छोटा, इसका हम अभी शूट करने, इसको जूम करके हम इसकी फ़ोटो क्लिक करने वाले हैं। देखिए मैंने अभी इसको फुल जूम कर लिया है, और ये देखिए कैसे ऑटोमेटिकली ऑटो फोकस करके इसने फोटोज हमने क्लिक कर ली। तो गाइज, आपने वीडियो देख लिया होगा कि मैंने आउटडोर में किस तरह से शूट किया है फ़ोटो, ऑटो मोड में कितने अच्छे अच्छे बेहतरीन रिजल्ट निकाले हैं। तो इसी तरह से आप भी काफ़ी अच्छे फ़ोटोज़ निकाल सकते हैं। अगर आप काफ़ी गड़बड़ में है या फिर आपको जल्दी जल्दी फ़ोटोज़ निकालने हैं, आपको कैमरा सेट करने के लिए टाइम नहीं है, आपको जल्दी जल्दी आपको टाइम कम है, आपको फटाफट जितने भी आप वो रिज़ल्ट निकाल सकते हो, फ़ोटोज़ निकाल सकते हो आप करना है, तो ऑटो मोड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये खासकर वेडिंग फ़ोटोग्राफी में काफ़ी यूज़ होता है ऑटो मोड, क्योंकि जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग होते हैं
उसको कवर करने के लिए ऑटो मोड होता है, जो आप अगर ऑटो मोड उसको सेट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आप जस्ट आपको शटर क्लिक करते करते जाना है। तो इस काफ़ी इजी मोड होता है और आपको काफ़ी हेल्पफुल होता है किसी रश एरिया में, या फिर आपको ज़्यादा एरिया कैप्चर करना है तो वहाँ पर आपको इसको ज़्यादा सेट करने की ज़रूरत नहीं होती, इजीली आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, तब तक के लिए गुड बाय।